ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये महाराष्ट्र के नागपुर से चलती है, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से सरकार। भक्तगण है उनको लगता है कि मोदी आएगा, लेकिन आप अगर रोड पे घूमोगे आम आदमी है वो परेशान। 24 का जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया तो इस देश की जनता दबा दबा के बटन दबाएगी बीजेपी के। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो होनी चाहिए। महात्मा गांधी से क्या दिक्कत है? नहीं, महात्मा गांधी का करेंसी से या बैंक से इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां एक बहुजनों का लेकर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहां पर जो है देश के अलग अलग कोने से तमाम लोग जो हैं आए हुए हैं बहुजनों के सपोर्ट में, जो अपनी हकों और अधिकार के मांग को लेकर जो है यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। उनसे बात करेंगे, साफ तौर पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, किन मांगों और किन किस बात को लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब के माध्यम से और हमारे उत्तर भारत में जो पहली बार बीआरएसपी का लॉन्चिंग हुआ है, 24 तारीख को पार्टी का जो नॉर्थ इंडिया का ऑफिस है उसका लॉन्चिंग होने के बाद कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज के दिन में आज भारत के जो नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रणीत आरएसएस प्रणीत जो सरकार है, ये सरकार की बहुजन लोगों के, इस देश के बहुजन लोगों के खिलाफ वाली नीति और संविधान के विरोध में जो उनका काम चल रहा है, जो यहाँ पे जंतर मंतर पे संविधान को जलाया गया था, संविधान के खिलाफ नारे दिए गए थे। 2014 में जब भी नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के आई थी तभी नरेंद्र मोदी के सरकार ने एक नारा दिया था कि लेस गवर्नेंस मोर गवर्नमेंट। तो हम लोगों को आज के दिन में ये सब बात मालूम चल रही है कि लेस गवर्नमेंट का नाम मतलब ये पूरा ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है और ये पूरे 10 सालों में हमने जो देखा है उसमें पूरी पॉलिसी पैरालिसिस जो जिसको बोलते हैं, तो हर एक पॉलिसी पैरालिसिस गवर्नमेंट की हो चुकी है। प्लानिंग कमीशन को बर्खास्त करने से आज के तारीख तक जितने भी उन्होंने जो कानून बनाए हैं सरकार के किसानों के खिलाफ वाले 3 कानून हो और ऐसे बहुत सारे कानून जो उन्होंने बनाए हैं ये बहुजन समाज के हित के विरोध है, उनके खिलाफ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पार्टी का नॉर्थ इंडिया में लॉन्चिंग होने के बाद और अभी जो फिलहाल घटना हुई थी, इस देश के जो कोई खिलाड़ी लोग हैं जो बैठे थे धरने पे उनको भी न्याय अभी तक मिला नहीं है। इस देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर सिर्फ नारेबाजी से ये सरकार काम करती है लेकिन असल में वैसे काम नहीं होता है, इस देश को चलाना पड़ता है। हमें ऐसा लगता था कि इस देश में दिल्ली से सरकार चलती है लेकिन ये बात मैं महाराष्ट्र का होने के नाते में ये आपको अधिकार वाणी के रूप में बोल सकता हूँ कि ये जो देश की सरकार है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महाराष्ट्र के नागपुर से चलती है, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से सरकार चलती है। तो इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और बहुजन समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उसके बाद ये जो मणिपुर का जो मसला 2-2.5 महीने से चल रहा है और ये जो अभी 2-3 दिन पहले जो महिलाओं का जो अन्याय अत्याचार हुआ था, मणिपुर का 2.5 महीने का हिंसाचार हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का धिक्कार करने के लिए यहाँ पे आए, उनका निषेध करने के लिए आए। इसके लिए आज के तारीख में धरना प्रदर्शन किया है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जो छत्रपति राजश्री शाहू जी महाराज है उन्होंने 26 जुलाई को जो आरक्षण दिया था, आरक्षण का दिन जो आज मनाया जाता है पूरे देश भर में, उसको मद्देनजर रखते हुए आज का धरना प्रदर्शन होने के बाद कल जो शाहू महाराज को 100 साल पूरे हुए तो उनका जो स्मृति शताब्दी वर्ष हम मना रहे थे उसके कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो संविधान परिषद जो पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो दूसरी संविधान परिषद महाराष्ट्र के बाहर वाली वो कल दिल्ली में होने जा रही है। तो इस प्रकार से 2 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में रचा गया था, आज का धरना प्रदर्शन और कल की संविधान परिषद, इन कार्यक्रम को हम यहाँ पे आए हुए हैं।
इतना मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप मोदी की इतनी सारी बुराई कर रहे हैं और पब्लिक कर रही है कि आएगा तो मोदी ही। पब्लिक कह रही है मतलब वो पब्लिक नहीं है, वो असल में की पब्लिक नहीं है, वो भक्तगण है। जो मोदी के जो भक्तगण है उनको लगता है कि मोदी आएगा, लेकिन आप अगर रोड पे घूमोगे, आप मीडिया हो, आप जब भी आप रोड पे घूम के लोगों की जो लोगों से जो जानकारी लोगे, इससे आपको एक बात तो पता चलेगी कि पूरे आपके घर में जो प्रॉब्लम है वही हमारे घर में प्रॉब्लम है। आम आदमी है वो परेशान है, तो इस परेशानी का जो हल है वो मोदी सरकार इस देश में पिछले 10 सालों से निकाल नहीं पाए है। इसलिए आप जो बोल रहे हो वो आपको जब जमीनी हकीकत आप पता करोगे तो आपको समझ भी आएगा कि जमीनी हकीकत पूरी तरह से विकास कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म किया या नहीं किया, ये भ्रष्टाचार का जो दुरुपयोग है वो बीजेपी को हो रहा है, और उसका जो नुकसान है वो आम आदमी को हो रहा है। तो आम आदमी को जो नुकसान हो रहा है तो वो पता चलेगा आने वाले चुनाव में। 2024 का जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया तो इस देश की जनता बात नहीं कर रही है। इसका मतलब वो दबा दबा के बटन दबाएगी बीजेपी के खिलाफ। इस बात को आप ध्यान रखो। ईवीएम में कहते हैं कि झोल है, तो फिर बीजेपी की कुछ राज्यों में हार कैसे जाती है? नहीं नहीं, ये सब प्लानिंग से चलता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्लानिंग से काम करती है। तो क्या है कि जिस जगह पे उनके पास चेहरा ही नहीं है, जहाँ पे वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, जहाँ पे उनका जो संगठन है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए हुए नेताओं का संगठन है, तो उस वहाँ पे वो नहीं टिकते हैं, और जहाँ पे उनका असल में संगठन है वहाँ पे टिकते हैं। लेकिन फिर भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की राजनीति जिन्होंने महाराष्ट्र में भी वही किया, और हमारी पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो शिवसेना हो, उनको फोड़ने का काम किया और अभी राज कर रहे हैं। अभी तो महाराष्ट्र में उनको स्पेशल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी ना होने के कारण भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। तो इसी प्रकार से वो हर राज्य में करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आध दूसरा राज्य छोड़ देते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग ईवीएम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, ये लोग ईवीएम भी मैनिपुलेट करते हैं, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग लोगों के माइंड मैनिपुलेट करते हैं। एक अहम सवाल है, कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर चंद्रशेखर का महारैली हुआ था, अभी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग पार्टियों में बहुजन बट गया है, क्या आपको नहीं लगता कि एक साथ होके बहुजन को एक होना चाहिए? ऐसे छोटे छोटे गुटों में बहुजन को बांटा जा रहा है और बटता जा रहा है बहुजन। बहुजन जो बटता जा रहा है ये ऐसी बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग पार्टी है और बहुजन समाज इनके जो महापुरुष है ये एक ही है, इनका जो मांग है, इनकी जो मांग है वो एक ही है, ये लोग संविधान के समर्थक है। तो असल समय आने पर ये पूरे के पूरे जो बहुजन है जिसको आपको लगता है कि वो बटे हुए है, ये सब बहुजन लोग एक साथ आएंगे, और आपको 2024 के चुनाव में आपको बहुत बड़ा ये जो बदलाव है वो दिखेगा आपको। जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, इतनी चीजें होने के बाद भी धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन पब्लिक कहती है कि आएगा तो मोदी ही। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, सबके माइंड में, मस्तिष्क में अब चुनाव आ गए हैं। टीवी पर आप देख लो तो चुनावों की चर्चा है, कोई भी बातचीत हो तो उसका जुड़ाव जो है वो चुनाव से हो जाता है ऑटोमेटिकली। चुनाव तो माहौल चुनाव का बन गया, तो चुनाव है इसलिए जंतर मंतर पर धरने चल रहे हैं। तो चुनाव की वजह से, क्योंकि चुनाव में पार्टीज को वोट चाहिए, और वोट जो है किसी ना किसी तरह से सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा संगठन है या बड़ा संगठन है। इसलिए सब अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जो है वो बाहर आ रहे हैं कि भाई आप हमारे बगैर चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए धरना प्रदर्शन भी है और तरह तरह की डिमांड भी इसी वक्त होती है। अगर मान लो कोई पीड़ित समाज है जिसके अधिकार छीन रहे हैं, तो वो भी चुनावों के वक्त पे ही कहता भी आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हो, तो आप हमें जो है हम वोट क्यों दें आपको, अगर हमारी वोट आपको चाहिए तो आप हमारे अधिकारियों की रक्षा करो। इसलिए जो है ये धरना प्रदर्शन भी होते हैं और सामाजिक संगठन काम कर रहे होते हैं। एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि देश का विकास किया, जनता जागरूक हो गई, यहाँ जंतर मंतर के इतने ही दूर की एरिया में 6 प्रदर्शन चल रहे हैं,
6 धरने हो रहे हैं। मैंने देखा है कि इस प्रदर्शन की अलग डिमांड है, उस प्रदर्शन की एक अलग डिमांड है, वो पीछे जो आप करेंगे उसकी एक अलग डिमांड है। एक डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं जी नोटों पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के जो एक प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो उन्होंने वो लिखा था, थीसिस लिखी थी, उस पर रिजर्व बैंक जो है ना वो बनाया गया। तो ये सही अधिक सही मतलब डिमांड है ये। क्यों महात्मा गांधी से क्या दिक्कत है? नहीं, महात्मा गांधी का करेंसी से या बैंक से इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी का भारत की इकोनॉमी से, रिजर्व बैंक से, उसकी करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आजादी दिलाई है उन्होंने, राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता वो राजनीतिक रूप से हैं, तो राजनीतिक रूप से आप उनकी कहीं पे भी फोटो लगाओ, कहीं पे भी मतलब स्टेचू लगाओ उनके, कहीं पे भी आप उनके कार्यक्रम करो, लेकिन रिजर्व बैंक जो है वो उस पे गवर्नर जो ना ऑथराइज करता है कि मैं इतने रुपए देने की आपको मतलब गारंटी करता हूँ, मैं आपको जो 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये की गारंटी करता हूँ। तो उस लिहाज से नोट पे बाबा साहब की फ़ोटो होनी चाहिए। खैर, मतलब मुद्दा ये था कि अलग अलग प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं ये, तो मैंने बताया कि अलग अलग प्रदर्शन होने का यही कि चुनावी माहौल है और अपनी अपनी पीड़ाओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांग को लेकर एक जंतर मंतर पर जो है एक ऐसा केंद्र बनाया हुआ है जहाँ सब अपनी अपनी मांग रखते हैं। सुना आपने कैसे सबने बताया कि बहुजन जो है वो जागरूक हो रहा है और लगातार अपने हक और जो अधिकार है उसके लिए मांग करने शुरू कर दिए गए हैं। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।